इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। खबर के मुताबिक उन्होंने सरकार से बीआरएस के लिए अपील की थी, जिसके बाद उनको लेकर के अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि 87 बैच के आईपीएस अधिकारी जो गुप्तेश्वर पांडे हैं, वो इसी साल जो है 31 जनवरी को बिहार के डीजीपी बने थे। जो जानकारी है हमारे पास उसके मुताबिक 31 जनवरी 2019 है, उसमें उन्होंने बतौर बिहार के डीजीपी जो है पदभार ग्रहण किया। उसके बाद लगातार सुर्खियों में रहे, कई सारे जो काम थे, कई सारे इस तरह की बातें थी, उस पर एक तरीके से जो है उनकी जो बेबाक राय थी वो हमेशा सुर्खियों में रहती। तो सबसे खास बात ये कि अभी हाल में सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरीके से उनका बयान सामने आया, वो सबसे महत्वपूर्ण था बिहार को लेकर के। तो बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के बारे में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रात का वक्त है और अभी अभी सरकार की तरफ से इसको लेकर के अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। अधिसूचना की अगर बात करें तो उसमें बिहार के जो डीजीपी हैं गुप्तेश्वर पांडे ने बीआरएस के लिए अपील किया था। करीब करीब 6 महीने के आसपास का जो वक्त है उनके कार्यकाल का बचा हुआ है। 28 फरवरी 2021 तक वो जो थे उनकी रिटायरमेंट डेट थी, यानी कि 28 फरवरी तक वो बिहार के डीजीपी रह सकते थे अगर वो रहते पद पर। तो डीजीपी ने वीआरएस ले लिया है। खबर अभी आ रही है कि वो संभवतः चुनाव लड़ सकते हैं। गोपालगंज के अगर बात कर लें, अगर बात कर लें जहानाबाद, बक्सर, बिहार की खास दक्षिणी बिहार के इलाके की बात कर लें, तो वहाँ पर जिस वक्त में बहुत सारे नरसंहार हुए, उस वक्त में वो बेहद एक्टिव रहे, उन जिलों में बतौर कप्तान रहे। पुलिस में उनकी जो कार्यशैली थी वो हमेशा से अलग रही है, कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। जो खबर है वो ये खबर इस वक्त अब जो आ रही है, इसमें जो नया अपडेट है कि जो एसके सिंघल हैं, जो कि एडीजी मुख्यालय भी रह चुके थे, फिलहाल डीजी होमगार्ड्स पे हैं, तो वो जो है जानकारी के मुताबिक उनको चार्ज दिया गया है। और जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि उन्हीं को बिहार का अगला डीजीपी बनाने को लेकर के जो अधिसूचना है वो सरकार के स्तर से जारी हो सकती है। तो बड़ी खबर बिहार से ये कि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जो हैं, उन्होंने वीआरएस ले लिया है, इस्तीफा दे दिया अपने पद से, और उनके इस्तीफे को सरकार ने जो है वो स्वीकार कर लिया है। ऐसे में वो अब क्या करने वाले हैं, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरीके से आगे क्या कुछ प्लान है, किस चीज़ से चुनाव लड़ेंगे, इन तमाम चीज़ों पर हम आपके लिए जो है वो रिपोर्ट्स लगातार आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। लेकिन बड़ी खबर जो बिहार से सामने आ रही है कि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जो है वो वीआरएस ले लिया है, यानी कि वक्त से पहले इसको कह सकते हैं टेक्निकली कि रिटायरमेंट ले लिया है। और करीब करीब 6 महीने, 28 फरवरी तक उनका कार्यकाल था, तो उन्होंने अभी चुनाव के अंत पहले लिया। इससे पहले कई खबरें आई, कई बार इस तरह की खबरें आई, इसका खुद डीजीपी ने खंडन किया है। कई बार वो कहते रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बेवजह इन मामलों को तूल दिया जा रहा है बिहार के अंदर में। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है कि उन्होंने इस्तीफा भेजा, वीआरएस के लिए आवेदन किया, इस्तीफा दिया डीजीपी के पद से, और इसके साथ ही उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव, जिसकी अधिसूचना भी बहुत जल्द जारी होने वाली है, वो उसमें बतौर जो है एनडीए प्रत्याशी, बीजेपी से जाएंगे जदयू से जाएंगे ये बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन बतौर एनडीए प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में आ सकते हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं, और इनकी पहले की भी इच्छा रही है चुनाव लड़ने की। तो क्या कुछ अपडेट है, वो तमाम अपडेट हम लेकर के आपके लिए लगातार हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबर ये कि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस ले लिया है, इस्तीफा दिया है, और फिलहाल एडीजी होमगार्ड को जो जानकारी मिल रही है कि उन्हें फिलहाल डीजीपी का जो चार्ज है वो फिलहाल दिया गया है। फिलहाल इतना ही। न्यूज़ फाउंडेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।